YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड स्टेट गेम्स 2019 को लेकर परमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज में बुधवार को ओलंपिक मशाल प्रज्वलन रिले का आयोजन किया गया। पलामू जिला स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिला खेल पदाधिकारी शैलेश कुमार और ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष के पांडे व मौजूद गणमान्य जनों के हाथों खिलाड़ियों को ओलंपिक मशाल सौंप कर रिले की शुरुआत की गई, जिसके बाद ओलंपिक मशाल छमान चौक, हॉस्पिटल चौक और शाही समाज चौक से होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत में जिला खेल पदाधिकारी का ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से बुके प्रदान कर जोरदार स्वागत किया गया, जहां अपने संबोधन में खेल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने खेल के प्रति खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए जिला का नाम रोशन करने की बातें कही। उन्होंने एसोसिएशन के सुंदर आयोजन की जमकर सराहना की और बताया कि पलामू जिले से 8 खेल स्पर्धाओं में टीमें झारखंड स्टेट गेम्स 2019 में भाग लेंगे, जिसमें सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में प्रतिभा का जौहर दिखलाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। स्कूली छात्र छात्राओं का खेल पदाधिकारी ने स्कूली खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु हौसला भी बढ़ाया। वहीं कार्यक्रम में राज्य माटी कला बोर्ड सदस्य अविनाश देव, विभिन्न खेल संघों के अध्यक्ष सहित कई विद्यालयों के खेल शिक्षक व खिलाड़ी काफी संख्या में मौजूद थे। ये पलामू जिला ओलंपिक के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में हमारे जिले से 8 खेलों के प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और जो वहाँ से चयनित होंगे वो राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक गेम्स में भाग लेते हैं। तो ये पलामू जिला ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।